हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ आलू और शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही मसालेदार सब्जी, जो आप कभी भी सूखी सब्जी खाने का मन करे तो आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैंने ये रेसिपी ट्राई की है, तो आप भी मेरे साथ एक बार ये रेसिपी ट्राई करना। ये टिफिन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी सी डिलीशियस ये सब्जी हमारी बनती है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आलू और शिमला मिर्च की टेस्टी सी सब्जी। ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने, देखिए, सरसों का तेल लिया है और उस तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना। अब जो तेल जो हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। ये मैंने दो आलू काट लिए थे और ये जो आलू है इनको हम करेंगे फ्राई। तो सबसे पहले हमें ये आलू फ्राई करने हैं। लगभग हमें 80% तक आलू को यहीं पर फ्राई कर लेना है। गैस को हमें रखना है मीडियम फ्लेम पर। आलू हमारे देखिए 80% तक लगभग फ्राई हो चुके हैं। जार में डाल के ये सारे आलू अच्छे से तेल को झार के और हमें निकाल लेने। देखिए 80% तक हमारे जो ये आलू हैं फ्राई हो चुके हैं। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम डालते हैं शिमला मिर्च। तो ये जो शिमला मिर्च, देखिए मैंने जैसे साइज में आलू कट किए थे उसी साइज में हमें शिमला मिर्च कट करनी है ताकि देखने में अच्छे लगे। तो 2 से 3 मिनट तक हमें ये जो शिमला मिर्च है इनको भी हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही एक मैंने प्याज लिया है जिसकी सारी कलियां मैंने अलग कर दी हैं और वो भी हमें शिमला मिर्च के साथ ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। बस इनको तो हमें हल्का हल्का सॉफ्ट करना है। ये शिमला मिर्च और जो प्याज जो है ये भी फ्राई होते हैं, इनको 2 से 3 मिनट हो गई हैं। तो अब इनको भी हमें घर में डाल के ना निकाल लेना है। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनका तेल हमें अच्छे से निकाल के ना गैस को हमें ऑफ कर देना है और शिमला मिर्च और प्याज को भी हमें बाहर निकाल लेना है। आलू और शिमला मिर्च फ्राई करने के बाद जो तेल हमारा बच गया था मैंने वही तेल ले लिया है। तो ये जो तेल है हमारा लगभग गर्म ही है, तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून राई और 1 चुटकी भर हम डालेंगे इसमें हींग। 1 लिया है तेज पत्ता, 2 लिए हैं दालचीनी के टुकड़े। सारी चीज़ों को हम भून लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हल्की सी चटक गई हैं, तो अब इसमें हम डाल रहे हैं प्याज। तो मैंने एक प्याज बिल्कुल ही बारीक बारीक काट ली और प्याज को हम कर लेंगे अच्छे से फ्राई। इसके साथ ही अब हमें डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये मैंने डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। प्याज जो है हमारी फ्राई हो गई है, तो अब हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। तो ये मैंने 2 टमाटर लिए थे और उनका पेस्ट बना लिया था। और तो थोड़ा सा पानी मिक्सी जार में जो टमाटर लगा है उसमें डाल के ना हम इसमें डाल दें। टमाटर को भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। अब टमाटर के साथ हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग डाल लेना जितना आप खाते हो। तो मैंने लगभग 1 चम्मच के करीब नमक डाल दिया, अगर कम रहेगा तो हम बाद में ऐड कर देंगे। और इस मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए हमारा जो प्याज टमाटर का जो मसाला था वो अच्छे से पक चुका है, तेल रिलीज कर दिया है, तो मसाला हमारा भून गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे आलू। जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो आलू सारे हमें इसमें सब्जी में डाल देने हैं। शिमला मिर्च और जो प्याज हमने फ्राई की थी वो हम डालेंगे बाद में, पहले हमें आलू मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देने हैं और बाकी जो हमारे मसाले बच गए वो मसाले हमें इसमें ऐड कर देने हैं। ये जो आलू शिमला मिर्च की सब्जी है ये बहुत टेस्टी बनती है। तो ये 1/2 स्पून मैं ले रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया पाउडर जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है
1/4 स्पून मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। इससे होता है कि सब्ज़ी का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। सारे मसालों को हमें आलू के साथ मिक्स कर देना है और लगभग 6 से 7 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे जो आलू है इनको हमें पकाना है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ये मैंने सारे मसालों को मिक्स करके पानी डाल दिया है और इसको अब मैं ढक देती हूँ और 7 से 8 मिनट तक इनको मैं ऐसे ही पकाऊंगी। बीच बीच में हमें 1 से 2 बार इसमें चमचा चला देना है ताकि हमारी सब्ज़ी अलट पलट होती रहे और नीचे लगे ना, और दोबारा से इसको हमें ढक देना है। हमारे जो आलू हैं इनको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए अच्छे से हमारे जो आलू हैं वो पक चुके हैं। तो मैं इनको फोड़ के देख लेती हूँ एक बार। तो देखिए अच्छे से ये टूट रहे हैं हमारे आलू। तो अब इस स्टेज पे हमें डालना है इसमें जो प्याज और शिमला मिर्च हमने फ्राई की थी वो। तो ये प्याज और शिमला मिर्च मैंने सारी डाल दी हैं और इनको भी हमें आलू के साथ मिक्स करते हुए पकाना है। गैस को हमें रखना है बिल्कुल ही लो फ्लेम पे, अगर ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में हमें मीडियम फ्लेम पे कर लेना है, लेकिन फुल नहीं रखना है बिल्कुल भी गैस। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो ये जो कसूरी मेथी है मैंने हाथों से क्रश करके ना इसमें डाली है और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें मसाला ए मैजिक, जो मैगी का मसाला ही मैजिक आता है वो डाल रही हूँ। आपके पास किचन किंग मसाला हो तो आप वो डाल सकते हैं, दूसरा मसाला हो कोई भी गर्म मसाला आप वो डाल सकते हैं, कोई भी मसाला आपको पसंद है वो डाल सकते हैं 1/2 स्पून के करीब। इससे क्या होता है सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही डिलीशियस सी हमारी सब्ज़ी बनती है। और 1/2 स्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप दही भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें टमाटर डाले हैं लेकिन टमाटर क्या होता है थोड़े मीठे होते हैं, तो इसमें खट्टे मीठे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डाला। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कीजिए। अब 2 से 4 मिनट तक हमें इस सब्ज़ी को बिल्कुल ही लो फ्लेम पे ढक के ना पका लेना है। बीच में एक बार हमें सब्ज़ी को संभाल लेना है। अगर आपको लगे कि हमारी जो सब्ज़ी है थोड़ी सी थिक सी हो गई है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। और इसको भी मिक्स करके ना हमें दोबारा से ढक देना है। गैस को रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। सब्जी हमारी बिल्कुल पककर रेडी है और लास्ट में इसमें मैंने डाल दिए हैं बिल्कुल हरे धनिए की पत्तियां, बिल्कुल फ्रेश धनिया है और बिल्कुल डिलीशियस सी सब्जी हमारी बनकर रेडी है। अगर आपको भी मेरी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।